थाना बलदेव पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में शामिल दो अभियुक्त फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में मंगलवार को गांव मगना स्थित खेत में एक युवक का शव मृत अवस्था में मिला था, जिसकी पहचान गांव मगना के ही रहने वाले राजू पुत्र राम खिलाड़ी के रूप में हुई थी, जिसका मुकदमा थाना बलदेव में दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि राजू की हत्या गांव के ही रहने वाले तीन लोगों ने की है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव के रहने वाले धर्मेंद्र पुत्र देवीलाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो अभियुक्त ने बताया कि उसका भांजा, जो कि मंदबुद्धि व मुख बधिर है, उसे राजू अपने साथ बुलाकर ले गया था, जिसके साथ उसने गलत काम किया, जिसके बाद राजू को काफी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन राजू नहीं मिला। काफी तलाश करने के बाद राजू का पता चला और धर्मेंद्र ने अपने दो साथियों को साथ ले जाकर राजू को पकड़ लिया, जहां राजू ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। इसी बात को लेकर राजू की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसका शव पास ही के खेत में फेंक दिया। लेकिन पुलिस को जैसे ही राजू का शव बरामद हुआ तो सभी हत्यारोपी गांव से फरार हो गए, जिसमें पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार चल रहे दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जनपद मथुरा में थाना बलदेव के अंतर्गत 24/9 को राजू पुत्र राम खिलाड़ी, उम्र करीब 24 वर्ष इसकी, इसका शव मिला था खेत में। और ये एक दिन से योग पहले से ही गायब था। दूसरे दिन शव मिलने पर अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और इसका पोस्टमार्टम कराया गया। इसमें नामित अभियुक्त तीन उनके परिवार वालों ने किए, जिसमें से आज एक अभियुक्त धर्मेंद्र पुत्र देवलाल, ये मगना के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये तीन लोगों में से जो नामित अभियुक्त हैं उनमें से एक हैं। ये जो मृतक है उसके रिलेशन में भी लगते हैं। ये हत्या कुछ संबंधों को लेकर की गई, जो अप्राकृतिक संबंध इसकी पृष्ठभूमि में रहे हैं, तो इस कारण से इसकी हत्या हुई है और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्तों की तलाश की जा रही है और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उनको भी जेल भेजा जाएगा। नहीं, घटना में तीनों लोग शामिल रहे हैं। पहले मारपीट हुई है, बाद में इनकी गला दबा के हत्या हुई है और वही उसको खेत में छोड़ दिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।